हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बी ट्रैवल। दोस्तों, आज हम है पुणे जिले में स्थित नारायणपुर गांव में। यह स्थान एक तीर्थ स्थल है और एक मुखी और चतुर्भुज दत्त मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे पीछे जो दिख रहा है यही दत्त मंदिर है। यह हर गुरुवार और पूर्णिमा को बहुत सी भीड़ रहती है। आज है थर्सडे, तो आज हम आए हैं इस मंदिर का दर्शन करने के लिए। यह देवस्थान ऐतिहासिक पुरंदर किले की तलहटी में स्थित है। नारायणपुर गांव सांगदेव महाराज का भी गांव है। यहां एक पुराना औदम्बर का पेड़ भी है। इस स्थान पर कई दुखी और पीड़ित भक्तों की समस्याओं का समाधान हुआ है, इसलिए इसे एक जागरूक देवस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान पर अब एक विशाल मंदिर, भक्तों के लिए प्रार्थना आवास और भोजन का स्थान भी है। श्री दत्त जयंती और गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार है। गुरुवार और हर पूर्णिमा को यहाँ विशेष महत्व है। यह दत्त मंदिर अपनी सुंदर एकमुखी छह भुजा वाली दत्त मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र वास्तव में परम पूज्य सदगुरु नारायण महाराज द्वारा विकसित किया गया था। हर गुरुवार और पूर्णिमा पर सदगुरु नारायण महाराज के प्रवचन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ती है। सदगुरु नारायण महाराज का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में मनुष्य को खोजना है। पुणे से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दत्त मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। दत्त जयंती यहाँ भव्य पैमाने पर मनाई जाती है। उस समय यहाँ आने वालों श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। नारायणपुर श्री दत्त मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दत्त मंदिर के पास ही नारायणेश्वर मंदिर है, जो कि 2000 साल पुराना मंदिर है। यह मंदिर हेमाडपंथी है और माना जाता है कि यह मंदिर यादव काल के दौरान बनवाया गया था। पुणे जिले से 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नारायणपुर गांव है। नारायणपुर गांव में नारायणेश्वर मंदिर देखने के लिए हम आए हैं। मेरे पीछे जो दिख रहा है वो हेमाडपंथी शिव जी का मंदिर है। नारायणेश्वर मंदिर के बाहर का सभा मंडप टूटा हुआ है और पुराने यादव काल का काम यहाँ देखा जा सकता है। मंदिर के सामने एक सुंदर नंदी की मूर्ति है। मूर्ति थोड़ी मुड़ी हुई है और नंदी पर की शिल्पकला देखने लायक है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको पीतल के नंदी का दर्शन होगा। उसके सामने ही आपको पीतल के कछुए का दर्शन होगा। मंदिर के सभागृह में प्रवेश करते ही दाहिनी ओर आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। हेमाडपंथी मंदिर के कई प्रमाण आज भी मंदिर के परिसर में मिलते हैं। पूरा मंदिर 20 खंभों पर बना हुआ है। मंदिर के खंभे गड़े हुए हैं और उस पर भी नक्काशी तराशी गई है। मंदिर में एक त्रिपिंड भी देखी जा सकती है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा नारायणपुर का एकमुखी दत्त मंदिर और नारायणेश्वर मंदिर, जो कि एक पुराना शिव मंदिर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना, और सपोर्ट के लिए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।